एवरीवन, मैं कनिका राणा लेके आई हूँ आज अपना पहला व्लॉग। तो चलिए आज देखते हैं होता है क्या, पर उसके लिए मुझे होना पड़ेगा ऑफिस के लिए रेडी। तो मिलते हैं थोड़ी सी देर में। और मैं रेडी हो चुकी हूँ ऑफिस के लिए। तो अब देखते हैं खाने में क्या है, क्योंकि मुझे बहुत भूख लग रही है यार। तो जल्दी से देखते हैं मम्मी ने क्या बनाया। नारियल पानी सॉरी डट जाओ सारे, चुप बोलो चुप हो जाओ सारे। ब्रेकफास्ट से पहले अब टाइम है मेरा नारियल पानी का, जो मैं हमेशा पीती हूँ ब्रेकफास्ट से पहले, क्योंकि ये मुझे हाइड्रेटेड रखता है। आप भी पी लो। कितनी सही चीज़ बना रखी है यार ये, और इसके साथ ठंडा ठंडा दूध। आनंद। सब सोचेंगे मैं कितनी भूखी हूँ। मेरी शुरुआत दिन के खाने से होती है और मेरी शुरुआत रात के खाने तक होती है। मेरे को हर दो घंटे में मुझे कुछ ना कुछ चाहिए खाने का। मैं भूखी नहीं रह सकती। अगर मैं भूखी रह गई तो समझ जाओ सब गए काम से, क्योंकि मुझे इतना गुस्सा आता है यार भूखे रह के। पता नहीं लोग भूखे कैसे रहते हैं, मुझे यही समझ नहीं आता। खैर अभी तो नहीं हूँ मैं, क्यों गुस्सा हो रही हूँ। और ये मेरा ब्रेकफास्ट हो चुका है, अब चलते हैं ऑफिस की तरफ। तो बैग मैंने उठा लिया है ऑलरेडी। तो सेम टाइम सेम जगह, मेरा कदे भी नहीं लगता है दिल। खैर बहुत ही ज़्यादा हॉरिबल पंजाबी थी मुझे पता है, तो मुझे मारने मत भागना। अरे क्या कर रहे हो पापा? खैर चल रही है पौधों की। तो भाई कपड़े सूख रहे हैं, इन पे ध्यान मत देना। कौन सी गाड़ी? यही। हाँ यही ठीक है, वाइट मेरा फेवरेट कलर। तो ठीक है चलते हैं, टाटा बाय। बाय एवरीवन। के जा रहे हैं ये, लग गया सो गया, तने के लग गया। ओ उतरा गाड़ी दे, कोई है हटा लो इस गाड़ी ने, लेट हो रहे हम। 15 मिनट हो गई यार खड़े खड़े। इत रिक्शा वाली ने भी टेंशन होगी, उतर के देख के आया है क्या हो रहा है। फाइनली गाड़ी पीछे आ गई 15-20 मिनट के बाद। वाओ, और ये हमें इशारा मिलते हुए कि हम आगे बढ़ सकते हैं। वूहू फाइनली। और ये मैं ऑफिस पहुंच गई हूँ अपने फाइनली। तो आज 5 मिनट लेट हो गया। अरे ये क्या रखी है सीढ़ी सी यहाँ पे। अरे भाई ये ऑफिस का क्या हाल कर रखा है। मैडम गोविंद जी लेके जाते हैं। ये मेरी टेबल है, पर ये मत समझना कि मैं ऐसे बैठती हूँ। अभी इसको ठीक होने के बाद आपको दिखाती हूँ कैसा हो जाएगा, ये चमक जाएगा, ठीक हो जाएगा दी ये। ना ना अच्छा ना दिखेगा आप कितने काम काजी हो, सुबह 7 बजे से आए हुए हो। थैंक यू भैया। बना रही हूँ, देख रहे हो
आप इतने लंबे हो, मेरे फ्रेम में भी नहीं आ रहे हो अच्छे से। चल के यहाँ बैठ जाती हूँ, काफी देर हो गई मेरे को खड़े खड़े। अब पता नहीं कितनी देर वेट करनी पड़ेगी यहाँ। फाइनली रूम सेट हो चुका है और मैं 2 घंटे से बैठी थी बाहर, कब रूम सेट हो, कब मैं आके अपनी टेबल पे बैठ जाऊँ, तो वो टाइम आ चुका है। अब मैं आराम से अपनी टेबल पे काम कर सकती हूँ और बहुत सारा काम पेंडिंग भी हो गया है 2 घंटे में। अब देखते हैं कितनी जल्दी जल्दी मुझे हाथ चलाना पड़ेगा और काम करना पड़ेगा। वैसे तो भाई जिसकी आंखें कमज़ोर हैं जैसे मेरी हैं, मैं स्पेक्स लगा लेती हूँ काम करते वक्त, तो अब मुझे लगाना पड़ेगा क्योंकि भाई और नंबर बढ़वाऊँ इससे अच्छा है। खुल जा। हाँ अब ठीक है। कितना मुश्किल है यार ये लगाना, लग जा। ये नहीं लगने का आज भाई, क्यों बेइज्जती करवा रहा है, लग जा। अच्छा बच्चा है ना तू, अच्छा है ना, अब की बार पक्का लगेगा। लग गया। तो फाइनली इतनी देर बाद मेरे ग्लासेस लग चुके हैं। अब ये मत बोलना कैसी लग रही है, ग्लासेस में सब ऐसे ही लगते हैं। ठीक है अब मैं काम करना शुरू कर दूंगी फिर। नहीं यार, हाँ उससे पहले तो मुझे कुछ खाना है, जाके देखती हूँ। रूम इतनी देर में सेट हुआ है, इतनी देर में मेरा स्टमक अपसेट हो गया है रूम सेट के चक्कर में, तो जाती हूँ देखती हूँ क्या है खाने का, फिर खाऊँगी, पेट पूजा करूँगी, फिर दिमाग चलेगा ढंग से। तो हम जाके देख रहे हैं कि आज ब्रेकफास्ट में क्या है। पेट दिखाइयो भैया, खाने में क्या आज? सुबह सुबह इतना ऑयली खिलाओगे पेट आ जाएगा। दिल्ली क्या खिला रहे हो? दिल्ली मुझे पूरी सुनाई दिया। दिल्ली बिडली के क्या? हम दोनों बहस कर रहे थे कि इडली है, पूरी है, क्या है, और भैया क्या निकली? खिचड़ी। चलो खिचड़ी दे दो, हम हेल्दी खाते हैं। इसका इसकी तो डाइट पे है, शर्म आ रही है, इसका पेट देखना। ये देखो कुछ नहीं है। सुभाष सर आप क्या लोगे? कुछ नहीं, कुछ भी नहीं, चाय एक सुट्टा। खिचड़ी में अचार डलवा लिया, बड़ा टेस्टी लगता है। अगर किसी ने ट्राई नहीं किया ना कभी खिचड़ी में अचार, तो जल्दी ट्राई करो, बहुत टेस्टी लगता है। ऋषि की चल रही है आज की अपनी वाइफ के साथ, मेरे बेबी ने थाना थाया। प्रिया थाना थाया। ये तो चलता रहता है भाई इनका। प्रिया कितनी चिंता करती है ना ऋषि देवी। A few moments later. ये मेरी चाय शाम की, और अब मैं भैया इसमें चीनी डालना भूल गए, ये चीनी दे दो। कह रहे अच्छी बात है, मेरे ऑफिस वाले सब इतना बोलते हैं यार कनिका तू चाय में कितनी चीनी पीती है। सुभाष सर चाय में चीनी डालना भूल गए ये लोग। चीनी ले का भाई, अरे चीनी ला भाई, शुगर फ्री दे दो, शुगर फ्री दे दो, कुछ दे दो, चीनी दे दो। फाइनली मेरी छुट्टी हो गई है और नॉन स्टॉप काम करने के बाद अब मैं जा रही हूँ अपने घर। थक चुकी हूँ और मेरा भाई वेट कर रहा है वहाँ पे। ये देख लो हरे हरे पत्ते, देख लो हरे हरे टॉप के साथ। हाय कितना सुकून मिल रहा है यार,
8 घंटे ऑफिस के अंदर, और मैं तो लंच टाइम में भी नहीं निकल पाती, इतना ज़्यादा काम होता है यहाँ पे। पर शांति अच्छा लग रहा है अभी वैसे मेरे को। अब मैं जा रही हूँ घर पे, फाइनली मेरा भाई लेने आ गया है। अरे मैंने सीट बेल्ट नहीं लगाई है, लगा लेती हूँ फिर तुम लोग टोकने लगोगे, और सीट बेल्ट लगा ली तो तुम मास्क के लिए टोकने लग जाओगे। लगाऊँ या रहन दूँ? चलो रहने ही देती हूँ थोड़ी देर। 5 मिनट में कोई कुछ नहीं बोलेगा। मुझे क्यों ऐसा लग रहा है आज ही मुझे पुलिस पकड़ने वाली है कि आ जा करेगा, आज तेरा चलान कटेगा। लगा लूँ यार, मैं तो खुद बोल भी रही हूँ और डर भी रही हूँ। अरे उल्टा क्यों लग रहा है, सीधा लग जा। मेरा भाई पक रहा है तो चलो बाय, घर पे जाके मिलते हैं, बाय बाय टड़ा। और ये मैं ऑफिस से घर आ चुकी हूँ फाइनली। इतना स्ट्रेसफुल दिन था, इतना सारा काम था जैसे कि मैंने आपको दिखाया, और अब मैं शांति की सांस ले सकती हूँ बिल्कुल एसी के सामने। ये देखो, हाँ ठंडी ठंडी हवा, बस ऐसे ही रहनी चाहिए यार। दिमाग शांत हो गया। अब सोच रहे होगे पागल की हो रही है, पागल नहीं हो रही यार। जो भी ऑफिस में जाता है उसको पता होता है कि कितना बुरा हाल हो जाता है पूरे दिन ऑफिस में बैठ के। इतना सारा काम होता है, इतना स्ट्रेस होता है, इतनी सारी सुननी पड़ती है। सुननी किसकी पड़ती है ये भी मैं नहीं बता रही। देखो सोफ़ी कैसे घूम रही है आसपास। सोफ़ी घूमना बंद कर दे डार्लिंग। तो ये था मेरा व्लॉग, कैसा लगा प्लीज़ बता देना। अच्छा लगा तो प्लीज़ लाइक शेयर कमेंट सब कुछ कर लेना, और कोई भी सजेशन हो, कोई भी एडवाइस हो जो आपको लगे कि हमें देनी चाहिए कनिका को जिससे उसके व्लॉग्स अच्छे हो जाए, तो प्लीज़ वो भी दे देना। तो अभी के लिए गुड नाइट, बाय सोफी, बाय। भाग गई, चलो ये तो चली गई, अब मेरे भी जाने का टाइम आ चुका है। बाय बाय, गुड नाइट एवरीवन, फिर मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में।